नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एट द रेट आर फ्री क्लासेज में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर कंपटीशन, सभी के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनिंग का। हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला, जो कि आप देख रहे हो नंबर सीरीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो नंबर सीरीज क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। तो जो नंबर सीरीज है मतलब संख्या पद श्रृंखला संख्याओं से संबंधित होती है। इनमें चार या चार से अधिक संख्या एक सीरीज होता है, एक सीरीज में होती है जो एक विशेष नियमानुसार होता है। हम उस श्रृंखला के प्रश्नों को, नियमों को पता लगाकर उसकी अगली संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो चलिए जो मैं बोला हूँ वो भी लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरे क्लास में आप बने रहिए कंटिन्यू, और आपको पूरी बेसिक के साथ, आप अगर कहीं नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़े भी होंगे तो ऐसा क्लास आपको नहीं कहीं मिला होगा कि पूरा उंगली के साथ पकड़ कर सिखाया गया होगा। मेरे चैनल पर आप बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आर एफ फ्री क्लास जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए किसी तरह का डाउट होता है। लिखेंगे संख्या श्रृंखला संख्याओं से संबंधित संबंधित होती है। इसमें चार से अधिक संख्याओं की एक सीरीज होती है। ठीक है, श्रृंखला मतलब नंबर सीरीज के बारे में आप लोग तो समझ गए होंगे, डिफिनेशन उसका क्या होता है, जो जो एक विशेष विशेष नियमानुसार नियमानुसार होती है। हमें उस श्रृंखला का प्रश्नों, मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत समझने में ना हो। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको, मेरे वीडियो पर अगर कभी भी कहीं से भी भूल भी गए तो आपको रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नियमों का पता लगाकर अगली संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है, अब इसमें समझेंगे कि नंबर सीरीज में कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो देखेंगे। देखिए गणितीय गणितीय अंकित अंकित श्रृंखला श्रृंखला में
आने वाली वाली महत्वपूर्ण संख्या है, महत्वपूर्ण संख्याएं। देखेंगे कौन कौन होता है, जो देखेंगे हम। पहला होता है वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं। दूसरा होता है घन संख्याएं, मैं पूरा बच्चे के जो बेसिक होता है ना वहां से शुरू किया हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, पूरा बेसिक के साथ। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। चौथा होता है सम या विषम संख्याएं, सम या सम और विषम। विषम संख्या या संख्या है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आएगा, चार गो होते हैं कौन कौन, वर्ग संख्याएं क्वेश्चन रहेगा, घन संख्या, अभाज्य संख्या और सम और विषम संख्या। चलिए तो देखेंगे वर्ग और घन के बारे में। सबसे पहले तो इसके आते हैं नेक्स्ट में, हमको याद क्या क्या होना चाहिए, एक से लेके 20 तक वर्ग और घन संख्या याद होना चाहिए। ये आपको याद रहेगा तो आप नंबर सीरीज बनाने में आपको आसानी होगी और फटाफट आप बना पाएंगे। चलिए अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं बता देता हूं, तो देखिएगा। एक, मैं अभी आपको लाइन खींच के ये कर देता हूं, ये वर्ग है और ये घन, ठीक, और ये संख्या। इधर मैं संख्या लिखूंगा और उधर वर्ग होगा, ठीक है। देखें एक, सॉरी एक, एक का स्क्वायर क्या करेंगे तो एक ही होगा, और एक का एक होगा, एक का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। दो, दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, चार, और दो का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, आठ। तीन, तीन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नौ, और तीन का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, सत्ताईस। चार, चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह, और चार का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, चौसठ। पांच, पांच का स्क्वायर करेंगे पच्चीस, और पांच का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक सौ पच्चीस, ठीक है। छ, छ का स्क्वायर करेंगे छत्तीस, और छ का क्यूब करेंगे क्या आएगा, दो सौ सोलह। सात, सात का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो सत्य उनचास, और सात का क्यूब तो 343, ठीक है। आठ, आठ का स्क्वायर करेंगे चौसठ, और आठ का क्यूब करेंगे तो 572, 572। नौ का स्क्वायर करेंगे 81, और नौ का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 729। चलिए उसी तरह से आगे बढ़ते हैं,
दस, दस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100, और 10 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 1000। ठीक है, 11, 11 का सॉरी 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 11 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 1331। 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 12 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 1728। और मैं इतना जल्दी क्यों लिख दे रहा हूँ कैलकुलेट करने में, आप भी कर सकते हैं, मैं आप कैलकुलेशन आप सीख लीजिए, मेरे नए सीखेंगे कैलकुलेट करने के लिए, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उससे सीख सकते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। 13, चंद सेकंड में आप 4 डिजिट को तुरंत लिख सकते हैं। 13, 13 का 169, और 13 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2197। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, और 14 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हमसे पहले कीजिएगा, 2744। चलिए 15, 15 का तो स्क्वायर आप लोग कर ही लेंगे तो कितना आएगा, 225। चलिए 15 का क्यू, 15 क्यू लग रहा होगा टफ, लेकिन 3375। 16, 16 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और 16 का क्यू करेंगे क्या आएगा, 4096, सॉरी 96, 40 हो गया। 17, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 17 का क्यू करेंगे कितना आएगा, 49, 13। 18, 18 का क्यू करें स्क्वायर करेंगे 324, और 18 का क्यू करेंगे कितना आएगा, 58, 32। चलिए 19 भी लिख दे रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहा हूं। 19 का, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 361, और 19 का क्यू करेंगे कितना आ जाएगा, 68, 59, 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
आएगा 400, और 20 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 8000। इतना तो आपको याद होना चाहिए ताकि आपको आसान हो, जल्दी से जल्दी आप लोग बना पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ग संख्या ज्ञात करने के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो वर्ग संख्या लिखिएगा आपको, मैं पूरा बेसिक बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या ज्ञात करने का विधि मैं बताऊंगा, ट्रिक करने का ट्रिक। ठीक है, चलिए आइएगा, नोट कीजिएगा। देखिएगा, एक से 99 तक कैसे वर्ग निकालेंगे जो बता रहे हैं, 99 तक कोई भी
संख्या का चयन करें। ठीक है, एक से मान लेते हैं कोई संख्या है, एक से 999 तक, 999 लिख देते हैं। चलिए, इससे बड़ा तो और तो आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। एक से 999, एक से 999 तक, ठीक है। तो मान लेते हैं 37 कोई वर्ड है, 37 है। ठीक, हम इसमें कैसे करेंगे? पहले हम करेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम लोग करेंगे क्या करेंगे, इसका ये इसका 37 का स्क्वायर आपसे पूछ दिया, ठीक है, और इसका 7 का स्क्वायर किए और 3 का स्क्वायर किए, तो देखेंगे। पहले हम करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा बताइएगा, 49 आ गया। उसके बाद हम करेंगे 49 का क्या लिखेंगे, 49 के 9, क्योंकि एक अंक तक ही लिखना है, ठीक है। दूसरा में फिर हम इसका आगे बढ़ेंगे, 7 दुनी 14 14 दुनी 27 21 22 42। अब उसके बाद दूसरा स्टेप हम करेंगे, यहाँ स्टेप दूसरा करेंगे बीच में, 3 × 7 × 2, मतलब इसका गुना और इसका गुना, तीनों का गुना करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड और ये थर्ड। इसका कितना आ जाएगा, 27 21 22 42 42 आया ना। और पहले में हम 9 लिखे, चलिए यहाँ पर हमने लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे आप, ठीक है, 9। बाकी बचा हुआ था 4, है ना, 49 में 9 लिखे थे, बाकी बचा। फिर ये 42 है, 42 और 4 जोड़ देंगे हम, कितना जाएगा, 46 हो जाएगा ना, 4 ये जुटेगा, 42 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। तो 46 यहाँ है, 46 के 6 बाकी, फिर 4 बच गया। उसके बाद फिर हम इसका थर्ड स्टेप में आएंगे, थर्ड स्टेप में क्या किए हैं, 3 3 9 और 9 4 9 4 13, क्या बन जाएगा, कोई किसी तरह का डाउट? अगर हमको लग रहा है कि अब नहीं डाउट होगा, क्योंकि आपको किसी भी, ये आपको ये जो इतना मैं लिखवाया हूं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये वाला चीज नहीं लिखना चाहिए, ये आपको सीधे मौखिक ही करना होगा कि 37 है, 37 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, हम इसको लिखेंगे 49, 27 27 कह दूनी 42, और 42 और 4 46 और 3 3 9 और 4 9 4 13, बस डायरेक्ट। आपको ये कैलकुलेट करने की, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको नहीं लिखना है, सीधे आपको कैलकुलेट मौखिक याद करना होगा, और इसको आपको पहाड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, आपको एक से लेके कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़े पहाड़ा जब नहीं याद रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा जरूरत होता है पहाड़े का, ताकि आपको जल्दी जल्दी कर सके, ठीक है। चलिए बन जाएगा आपसे, चलिए आते हैं नेक्स्ट। चलिए मान लेते हैं दूसरा वो आप लिखिएगा 99, चलिए 99 का स्क्वायर कीजिए, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। 99 में हम लोग सेम पैटर्न करेंगे, क्या करेंगे, पहला में 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81, 81 का हम कितना लिखेंगे, 1, बाकी बच गया 8, ठीक है। फिर हम करेंगे इसका इसका और इसका गुना,
नौ इंटू नौ इंटू टू कितना हो जाए, 9 9 81, 81 दूनी, जल्दी से बताइएगा। एक सौ बासठ, ठीक है, 9 9 81, 81 दूनी 162, 162 में 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताइएगा। बासठ में 8 जोड़ेंगे तो यहां शून्य हो जा रहा है, शून्य यहां हो जाएगा, ठीक, और ये हो गया 17, हो जाएगा ना 17, बाकी रह गया। फिर हम लास्ट वाले को तो आपको पता ही क्या करना है, 9 का फिर स्क्वायर कर देना, 9 9 81, 81 और चलिए तो देखेंगे, 81 में 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9, यहाँ टोटल कितना हो गया, 9 और 8, 98 01। अगर डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करने आता है तो ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ये इतना जो है ये मैं लिखा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 99 है, 99 का स्क्वायर पूछा जाएगा, 9 9 81 के 1 बकिया 8, और 9 9 81, 81 दूनी 162, और 62 और 8 कितना हो जाएगा, 0 जोड़ देंगे, ठीक ना, आ जाएगा 1700, 1700 हो गया था तो शून्य बकिया बच गया 17, और 9 9 81 और 17 98, राइट, ये आपको कैलकुलेशन करने का स्पीड होना चाहिए तभी आप इसको कैलकुलेट करके फास्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए और जोड़ने और घटाने के लिए आना चाहिए, ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे स्क्वायर निकालने के लिए, कोई तो दिक्कत, आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे आते। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है, चलिए लिखिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक तथा स्वयं से ही भाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, तो अभाज्य मतलब कि उससे कट जाए, भाज्य का मतलब उससे कट जाए, ठीक है, चलिए थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे, अभाज्य नियम, चलिए नोट कीजिएगा, फर्स्ट नियम, ठीक है, लिखिएगा, अंतर का नियम, अंतर का नियम, चलिए इसको हम समझाने आपको समझाते हैं, मैं वो पूरा बेसिक बताऊंगा आपको, कहीं नहीं पढ़े होंगे वो मैं बेसिक पढ़ा दूंगा आपको, कभी डाउट आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कहीं पे भी, ठीक है, लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
दिए गए दिए गए में पहली और दूसरी संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर और आगे भी यही क्रम जारी रखते हुए दिए अंतर की श्रृंखला का समूह ज्ञात करके दिए उसी आधार पर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। देखिएगा, समझिएगा, अंतर का नियम पहला समझिएगा क्या है। इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्नों में पहली और दूसरी संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर और आगे इसी तरह से निरंतर आगे मतलब चलते रहेगा अंतर का, वो जो अंतर का श्रृंखला समूह उससे ज्ञात करने में आसान होगा आपको। मतलब कि इसमें होता क्या है कि जैसे दो और चार का डिफरेंट कितने का है, दो का। फिर आपका छ अगला संख्या रहेगा छ, तो फिर डिफरेंट कितने का है, दो का। तो ये आगे बढ़ते जाएगा, डिफरेंट सेम रहेंगे। तो इस तरह का इसका नियम, अंतर का नियम हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ दो है, चार है, छ है, ये दोनों का डिफरेंट कितने का है, दो का। इतने का दो का, यहाँ अगर नौ रहेगा तो डिफरेंट नहीं हो सकता, ये तीन का हो जा रहा है। तो ये श्रृंखला पूर्ण नहीं कर रहा है, ये दूसरा श्रृंखला आ जाएगा, ये अंतर का श्रृंखला नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा सकूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा उदाहरण के तहत आपको बताते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पेज, इस नियम का उदाहरण, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। पहला योग का नियम, इसमें भी अंतर में योग का नियम पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, 5, 9, 14, 20, 27। आगे पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट। अब बताइए, चलिए जल्दी से आप लोग भी बताइए, कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन दे दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 34, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है 37। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है।
देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो देख रहे हैं क्या कर रहा है, 5 और 9, 5 और 9 का डिफरेंट कितने का है, 4 का है। 9 और 13, 9 और 14 डिफरेंट कितने का है, 5 का। फिर देख रहे हैं 14 और 5, 20 का, 6 का। फिर देख रहे हैं 7 का। तो अबरी क्या होगा, देख रहे हैं कि 4, 5, 6, 7, अब सिंपल सी बात, कॉमन सेंस इसमें क्या लगाएंगे, 8 का। तो 27 और 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। राइट आंसर। तो ये सब जो है ये देखिएगा, 9, तो इसमें कितना जोड़ रहा है, 4। फिर कर रहा है 9 से 14, कितना जोड़ रहा है, 5। फिर देख रहे हैं 14 में कितना जोड़ रहा है कि 20 आ रहा है, 6 जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है। तो उसी तरह से अब आगे 27 लाया है, तो 27 में कितना जोड़ दिया है, 7 जोड़ दिया है। तो आगे हमको निकालना है, तो इसमें हम जब ये कंटिन्यू देख रहे हैं, 4, 5, 6, 7 आया है, तो अभी क्या आ जाएगा, 8। इसमें 27 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 35। राइट आंसर। इस तरह का नियम होता है, ठीक है। दूसरा ये होगा योग का नियम, ये देख रहे हैं योग का नियम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे घटाव का नियम। चलिए देखिएगा घटाव का नियम, घटाव के नियम में देखेंगे। दी गई क्वेश्चन लिखिएगा, चलिए घटाव के नियम में लिखेंगे, 16, 14, 11, 7। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट ऑप्शन है। पहला में 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, घटा रहा है। तो देख रहे हैं 16, 16 माइनस कितना कर रहा है कि 14 आ रहा है, 2 करेंगे तो 14 आएगा। फिर देख रहे हैं 11 ला रहा है, इसमें हम कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 11। उसी तरह से फिर देख रहे हैं 7 ला रहा है, तो 7 में हम कितना माइनस करेंगे, 4, 7 आएगा। तो अभी हम कितना माइनस करेंगे कि आगे का भी पार्ट, यहाँ देख रहे हैं 2, 3, 4, तो अभी कितना आ जाएगा, 5। अब 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घटाएंगे। जल्दी से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 2। राइट आंसर 3। तो क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये सीरीज चलेगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये सीरीज, ये सीरीज, ये घटाव के नियम पे सीरीज है। ये आपका भी ये 2, 3 का है ना, ये यहाँ पर रहेगा 20-20 का घटाव का डिफरेंट रहेगा, 18 का घटाव का डिफरेंट रहेगा। अभी बहुत सारे में मैं लाऊंगा, अभी अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं गुना का नियम पे, ठीक है। नेक्स्ट गुना का नियम, चलिए देखिएगा गुना का नियम। तो गुना का नियम में उदाहरण देखेंगे, 2, 6, 18, 54 वाट। पहला ऑप्शन है 162, दूसरा 150, तीसरा 170 और चौथा
184। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बिना देर के जल्दी से बताइएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, 2 और 6, 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 आ रहा है। फिर देख रहे हैं 6 में कितना से गुना कर रहा है कि 18 आ रहा है, 3 से गुना कर रहा है तो कितना आ रहा है, 18। फिर देख रहे हैं 18 में कितना से गुना कर रहा है कि 54 आ रहा है, 3 से कर रहा है 54 आ रहा है। 54 में फिर 3 से, सिंपल सी बात है कि हम सब जगह 3 से कर रहे हैं, यहाँ 3 यहाँ 3, तो उसी तरह से आगे भी पैटर्न को हम लागू करेंगे। 18 में 54 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162। राइट आंसर फर्स्ट। तो क्या इस श्रृंखला में आप देख रहे होंगे सब पद में 3 से गुना कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि 1 में 3 से कर रहा है, 2 में 4 से कर रहा है, 3रे में, ऐसा नहीं है। कहिए क्या है, क्या यहाँ 3 से गुना है, यहाँ 4 से गुना है, क्या यहाँ 5 से गुना है, नहीं। तो सभी सेम है, तो सभी सेम है तो सब में कंडीशन हमको सेम लागू करेंगे। उसी तरह से वाट के जगह पे क्या होगा, वहां भी सेम कंडीशन से गुना करेंगे, और गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 162। तो बन जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नए क्लास में, आगे में नियम सिखाऊंगा। तो अभी बहुत सारे नियम हैं जो जिसमें आपको सीखना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट हैं सभी नियम। अभी भाग के नियम आपको सिखाऊंगा मैं, फिर उसके आगे सीरीज, तो एक पूरा बेसिक के साथ पूरा सीरीज आपको सिखा दूँ, नंबर सीरीज, ताकि आपको वो आपको मैथ में भी काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा, और कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएंगे, उससे आपको मैथ भी कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो उससे आपको काम आएगा। मैट्रिक के साथ मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे फ्री क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और कोई आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी का प्यार बनाए रहिए, धन्यवाद।